Now the next topic is algebra of operations which we are discussing here. So operations on sets such as union and intersection, satisfy various laws of algebra. Which are given below. कौन कौन से लॉज हैं अल्जेब्रास के ऑपरेशन लगाने के? ऑपरेशन लगाया हमने इंटरसेक्शन, यूनियंस, तो कौन कौन से लॉ हम यहाँ पे इस्टेब्लिश करेंगे वो हम देखेंगे. यहाँ पे हमने बात की थी कि अल्जेब्रास के जो लॉज हैं, कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ये इनकी बात की थी जो बेसिक क्लासेस में हम पढ़ के आते हैं, उसी को यूज़ करके हम पहला लॉ स्टडी करेंगे, कम्यूटेटिव लॉज. कम्यूटेटिव लॉज, कम्यूटेटिव लॉज हमें क्या बताएगा कि इफ़ वी आर टेकिंग ए यूनियन बी, अगर ए यूनियन बी लेते हैं तो वो बी यूनियन ए के इक्वल होना चाहिए. ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए. सेकेंड थिंग कम्यूटेटिव लॉ और क्या बताता है, अगर ए इंटरसेक्शन लेते हैं, ए इंटरसेक्शन बी, तो वो बी इंटरसेक्शन अगर ए के इक्वल है तो वो कम्यूटेटिव लॉ को ओबे करेगा. ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए और ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए. नाउ द सेकेंड वन इज दैट इज एसोसिएटिव लॉ. एसोसिएटिव नाम से ही पता लगता है कि कोई चीज़ ऐड करना, साथ में एसोसिएट करना. मतलब ए यूनियन बी हमने ऑलरेडी कर चुके हैं, उसके साथ अगर एक अनदर एलिमेंट, सॉरी सेट सी ऐड करें तो ये रिज़ल्ट देगा ए यूनियन बी कंबाइन किया है, यूनियन ऑफ सी. देन यहाँ पे अगर हम ए एज इट इज़ रख दें, ए यूनियन बी यूनियन सी को कंबाइन कर लें, अगर ये चीज़ आती है ए यूनियन बी ऑफ यूनियन ऑफ सी इज इक्वल टू ए ऑफ यूनियन बी यूनियन सी, अगर इसको ओबे करता है तो वो एसोसिएटिव लॉ है. और इन अनदर वे वी कैन से दैट इंटरसेक्शन के लिए ए इंटरसेक्शन बी, इंटरसेक्शन ऑफ सी किसके इक्वल होना चाहिए, ए ऑफ इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, अगर इसको भी ओबे करता है तब भी वो एसोसिएटिव लॉ को ओबे करता है. नाउ द थर्ड वन, थर्ड वन इज आइडमपोटेंट लॉ. आइडमपोटेंट लॉ क्या कहते हैं, ए यूनियन ऑफ ए, अगर ए का यूनियन ए के साथ लें तो इट ऑलवेज गिव ए, ए यूनियन ऑफ ए इज ऑलवेज इक्वल टू ए. और ए इंटरसेक्शन ए अगर लें तब भी वो किसके इक्वल है, ए के इक्वल है, ए इंटरसेक्शन ए इज ऑल्सो इक्वल टू ए, दैट इज़ द आइडमपोटेंट लॉ. नाउ द फोर्थ वन इज आइडेंटिटी लॉ. ये सारी चीज़ें आपकी सेट थ्योरी में तो यूज़ होनी होनी, साथ में प्रोबेबिलिटी में भी ये कंसेप्ट यूज़ होंगे सारे, तो इसलिए थोड़ा ध्यान से इनको देखने की ज़रूरत है. नाउ आइडेंटिटी लॉ, आइडेंटिटी लॉ की बात करते हैं तो हम ए यूनियन ऑफ एक्स, अगर हम ए सेट का यूनियन लेते हैं एक्स एक्स के साथ, दैट्स ऑलवेज गिव एक्स. और अनदर इज ए यूनियन ऑफ फाइव, फाइव के साथ अगर ए का यूनियन लें दैट इज़ ऑल्सो ए. और अनदर इज थर्ड वन ए इंटरसेक्शन ऑफ एक्स, ए इंटरसेक्शन ऑफ एक्स इज ऑलवेज इक्वल टू ए. देन फोर्थ वन सेज ए इंटरसेक्शन फाइव, फाइव के साथ अगर इंटरसेक्शन लेते हैं तो फाइव आएगा. दिस इज़ द मेन इम्पॉर्टेंट लॉ विच वी ऑलवेज रिमेंबर, ए यूनियन एक्स अगर लेते हैं तो एक्स, ए यूनियन फाइव लेते हैं तो ए, ए इंटरसेक्शन फाइव लें तो फाइव होएगा, और ए इंटरसेक्शन एक्स लें तो ए के इक्वल आएगा.
सो दैट इज़ द मेन थिंग. अनदर लॉ इज, और यहाँ पे एक्स क्या है, वेयर एक्स इज द यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट को शो करता है. यू को क्यों नहीं माना, क्योंकि यू वहाँ पे हम यूनियन के लिए नोटेशन यूज़ कर रहे हैं, इसलिए एक्स नोटेशन ली है. तो एक्स इज ए यूनिवर्सल सेट. नाउ द फिफ्थ वन इज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ. डिस्ट्रीब्यूटिव मीन्स किसी चीज़ को डिस्ट्रीब्यूट कराना किसी चीज़ को. डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज क्या कहते हैं, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी. इंटरसेक्शन और यूनियन का इकट्ठा मेल किया, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी है. तो यहाँ पे अगर इसको हम ओपन करते हैं तो ए इंटरसेक्शन बी अगर लिख दें, यूनियन सेंटर में चला जाए, यूनियन ऑफ ए इंटरसेक्शन सी. ए इंटरसेक को हो दोनों पे अप्लाई करा दिया, दोनों पे डिस्ट्रीब्यूट करा दिया बी यूनियन सी पे, तो ये बन गया ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ऑफ ए इंटरसेक्शन सी. अनदर वे, ए यूनियन ऑफ लें और सेंटर में इंटरसेक्शन ले लें दोनों सेट्स का, तब भी ये प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी. तो ये बन जाएगा ए यूनियन ऑफ बी इंटरसेक्शन सेंटर में ए यूनियन ऑफ सी. दिस थिंग इज कमिंग टू अस, दिस इज द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ. नाउ द सिक्स्थ वन लॉ इज डी मॉर्गन्स लॉ. डी मॉर्गन्स लॉ, डी मॉर्गन्स लॉ क्या कहते हैं कि ए यूनियन बी लिया हमने, ए यूनियन बी का अगर हम कॉम्प्लीमेंट्स लेते हैं, डैश रिप्रेजेंट कॉम्प्लीमेंट, और अनदर वर्ड्स वी कैन से दैट इज प्राइम. प्राइम ए यूनियन बी प्राइम्स रिप्रेजेंट ए प्राइम इंटरसेक्शन ऑफ बी प्राइम. तो कॉम्प्लीमेंट लेने के बाद ए का कॉम्प्लीमेंट हो गया ए कॉम्प्लीमेंट, यूनियन का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन में चेंज हो जाएगा. ये मेन थिंग है जो याद रखनी है. और बी का कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा. तो मेन यूनियन है, यूनियन को चेंज कर दिया इंटरसेक्शन में. सिमिलरली अगर हम ए इंटरसेक्शन बी लें, उसका कॉम्प्लीमेंट देखें, तो ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन चेंज हो जाएगा, सॉरी इंटरसेक्शन चेंज हो जाएगा यूनियन में बी कॉम्प्लीमेंट. दिस इज़ द मेन लॉज विच यू रिमेंबर. नाउ द सेवंथ इज कॉम्प्लीमेंट लॉज. कॉम्प्लीमेंट्स लॉ क्या है कि अगर ए का इंटरसेक्शन ले ए कॉम्प्लीमेंट के साथ, ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट दैट इज़ ऑलवेज फाइव, तो वो फाइव देगा. ए है और उसका कॉम्प्लीमेंट भी है साथ में, दोनों का इंटरसेक्शन, कोई भी एलिमेंट उनमें कॉमन नहीं होगा, सो दैट्स वाई फाइव. अनदर इज ए का अगर यूनियन लें आप कॉम्प्लीमेंट के साथ, तो ए के एलिमेंट्स तो होंगे ही होंगे, कॉम्प्लीमेंट के भी साथ में होंगे, तो वो यू बन जाएगा, यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट में चेंज हो जाएगा. और थर्ड वन सेज फाई का कॉम्प्लीमेंट लें, फाई है नल सेट है, नल सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, नल का मतलब खाली, खाली का उल्टा भरा हुआ, तो नल का कॉम्प्लीमेंट हो गया यूनियन, सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे उसमें. फोर्थ प्रॉपर्टी ऑफ कॉम्प्लीमेंट सेज यूनियन का कॉम्प्लीमेंट लें, यू का कॉम्प्लीमेंट लिया, तो यू का कॉम्प्लीमेंट मीन्स भरा हुआ है, भरे हुए का उल्टा होगा खाली, तो फाई सेट आ जाएगा यहाँ पे. दैट इज़ द कॉम्प्लीमेंट्स ला. नाउ द एट्थ वन इज दैट इज इन्वोल्यूशन ला. इन्वोल्यूशन लॉज क्या है, इट सेज ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट लें, अगर हम ए कॉम्प्लीमेंट था उसका अगेन कॉम्प्लीमेंट ले लिया, तो इट गिव्स ए. दैट इज मैक्सिमम टाइम्स यूजिंग इन प्लस टू क्लास ऑल्सो. ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट लिया तो इट्स ऑलवेज गिव ए. दैट इज़ ऑल अबाउट रिगार्डिंग द अलजब्रा ऑफ ऑपरेशंस, कि क्या क्या ऑपरेशंस हमने यहाँ स्टडी किए. तो अलजब्रा ऑफ ऑपरेशन में फर्स्ट कम्यूटेटिव लॉ किया, देन एसोसिएटिव, देन आइडमपोटेंट्स लॉ, आइडेंटिटी लॉस, अनदर इज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉस, एंड अनदर इज डी मॉर्गन, देन कॉम्प्लीमेंट्स लॉ, और आफ्टर दैट
लास्ट वन इज़ इन्वोल्यूशन लॉ. दिस इज़ ऑल अबाउट रिगार्डिंग दिस टॉपिक.